नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास शिक्षण शास्त्र तथा शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा तीसरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। पहले के दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए हमारे चैनल पर जाके। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और हमारे लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। सबसे पहले कोशिश कीजिए खुद, फिर उसके बाद आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो क्या है इसमें कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण में, ठीक है। जिन लोगों ने अपना सही उत्तर दिया है वे लोग अपना एक एक नंबर आप लोग ऐड करते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है तो आप लोग 15 क्वेश्चन में से जितना क्वेश्चन सही करोगे उतना नंबर आप लोग ऐड करते चले जाओ। और क्या करना है, लास्ट में हमको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना किया हुआ है। उससे ये पता चल जाएगा ना कि आप लोग की तैयारी किस हिसाब से चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार का करना सीखने के किस पक्ष में आता है, ठीक है। व्यवहार करना सीखने के किस पक्ष में आता है, तो आप लोग इसका उत्तर बताइए दोस्तों। व्यवहार करना सीखने के किस पक्ष में आता है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो थोड़ा टाइम ले लीजिए आप लोग, तो इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए क्या होगा उसका उत्तर। तो इसका आंसर अगर आप बता लिए होंगे, आपको आंसर पता होगा, तो चलिए देखते हैं अगर आपने सही किया है कि नहीं। तो सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, ठीक है। तो व्यवहार का करना क्या होता है, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। जो लोग इसका सही उत्तर दिए हैं वे अब अपने आप को इसमें से भी नंबर ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, ठीक है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। अगला क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है, तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर बता दीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए खुद से उत्तर बताने की, इसका उत्तर बताइए। तो कौन सी है, वे है कहानी कथन विधि। यानी यदि हम कहानी से बताएंगे तो क्या होगा, हमें इतिहास अच्छे से समझ में आएगा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। यही हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, हम लोग अभी भी इसी चीज़ का फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है। ह्यूरिस्टिक्स विधि के जन्मदाता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक्स मेथड, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्मस्ट्रांग, ठीक है। जो आर्मस्ट्रांग थे उन्होंने ही इसका क्या किया था, इन्वेंट किया था इस मेथड का। अगला क्वेश्चन आपका मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। मानसिक आयु की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बीने साइमन मापनी 1911 में किया था, ठीक है। बीने साइमन मापनी ने किया था, कब किया था दोस्तों? तो इसको किया था 1911 में किया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने के गति से सीखता है क्या कहलाती है। तो प्रश्न आपके सामने है
आप लोग इसका उत्तर बताइए कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने के गति से सीखता है क्या कहलाती है। आप लोग इसका समय ले लीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो बस बहुत लोगों ने बता लिया होगा, जिनको पता होगा, नहीं तो फिर अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन। तो जिन लोगों का सही है वे लोग अपना नंबर ऐड कर सकते हैं, अनुक्रमित अनुदेशन। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, तो अगला प्रश्न है आपका, बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु कौन सा विषय सबसे उपयुक्त है। बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु कौन सा विषय सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर बताइए आप। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा, आप लोग सोच लीजिए पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान। बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु कौन सा विषय सबसे उपयुक्त है, तो वो है विज्ञान, और गणित भी हो सकता है, ठीक है, विज्ञान और गणित। अगला प्रश्न है आपका, अगर आपके ऑप्शन विज्ञान ना हो, अगर ऑप्शन में अगर गणित आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं, अगर ऐसे अगर आपको लिखना है विज्ञान तथा गणित भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है। आपके सामने एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है। आपको बताना है किन मनोवैज्ञानिक का है, इसको आप बताइए। तो यह कथन है J.M. स्टीफन द्वारा, ठीक है, ये कथन किसका है, ये किसको किसने बोला था, तो ये है J.M. स्टीफन ने कहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। आप लोग अपना समय लीजिए, आप लोग इसको आराम से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा, तो वह विधि है खेल विधि। यदि हम, आपको तो पता ही है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे कैसे होते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खेल विधि इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है। तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, यह तो उत्तर आप लोगों को पता होगा बहुत ही, यह तो आप लोग भी इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो इसका उत्तर आप लोगों को तो जरूर पता होगा। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक का, ठीक है, जो शिक्षक होता है उसका स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शिक्षण प्रक्रिया में। अगर शिक्षक नहीं होगा तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना। आप लोग भले, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, जैसे अभी मैं ही हूँ इसमें आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस है, जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा आपको खुद से पढ़ने में, ठीक है। जब आप खुद से पढ़ते हो, अकेले में पढ़ते हो, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आप लोग अगर ऐसे पढ़ रहे हो, जैसे वीडियो देख के पढ़ रहे हो। तो जैसे मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग चला रहे हो अपना, तो इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक शिक्षक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में, चाहे हम कितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है, आप इसका उत्तर बताइए। तो प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं किल पैट्रिक, ठीक है। जिन लोगों को इसका उत्तर पता होगा उन लोग को बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग आप पता कर लीजिए कौन है, वे हैं किल पैट्रिक। अगला क्वेश्चन है आपका कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसका आंसर क्या होगा, तो उसकी होती है 71 से कम। जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वे 71 से कम होते हैं, और जो 71 से कहाँ, और हम सामान्य बुद्धि कितनी होती है, 90 से 110। आप लोग इसका आंसर बताइए। अच्छा, मंद बुद्धि वाले की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसका आंसर बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपका, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, इसका आपका उत्तर बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे ही करना है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, तो आपको सीधे इसका आंसर लिखना है। तो बताइए कैसे होते हैं, तो वे होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक। कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सीखने या सीखना स्थायी होता है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, आप लोग इसका आंसर बताइए।
वह होता है समझ कर सीखना, है ना। समझ कर सीखना कैसा होता है, स्थायी होता है। अगर हम लोग ऐसे ही सीख लिए, मन नहीं है पढ़ने का लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं मजबूरी में, तो क्या होता है, जब एक कान से पढ़ रहे हैं एक कान से निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी पढ़ना तो एक कान बंद करके पढ़ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन आंसर में। तो अगर आप लोगों ने जितना अटेम्प्ट किया हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर लिए हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। और मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। और बस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।